हम लोगों के गांव को सुरक्षित रखते हैं, इनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, इनके भी अपने कुछ मसाइल हैं। हमारे चौकीदार भाई ये पासवान समाज से आते हैं, लेकिन बहुत ही जवामर्द, जाबाज और एक्टिव किस्म के चौकीदार हैं। आइए जोरदार तालियों से नवीन भाई का स्वागत करें। आप लोग आज ही ऊपर आ जाइए। धन्यवाद। अपने साथियों को ऊपर आइए। आज दिनांक 5/8/2023 को हमारे ग्राम बंधौली पंचायत अंतर्गत जो हमारे जाले प्रखंड के 1x1 क्षेत्र के कॉर्नेन साहेब जिला परिषद जो जिनके द्वारा ये भाईचारगी कार्यक्रम के तहत जो हमारे जितने भी हमारे जो वर्तमान में जीते हुए जिला परिषद को जो हमारे प्रांत के जितने भी नेता अभिनेता जिसको बुला करके हम लोग के द्वारा जो सम्मानित कराया गया है उनके लिए मैं उन्हें कॉर्नेल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे जितने भी बिहार राज्य के जो हमारे नेता आए हैं जैसे कि मोहम्मद जवाहर खान महोदय और संसद मंत्री जो हमारे जदयू के हमारे नेता हैं, और मैं अपने बिहार राज्य दबदार चौकीदार पंचायत इकाई की ओर से संगठन के माध्यम से महोदयों को सूचना देना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे चौकीदार दबदार जो एक ही चौकीदार हम नहीं हैं, हर एक घर का एक चौकीदार होता है, पूरे समाज का चौकीदार होता है, एक ग्राम का चौकीदार होता है, पूरे प्रखंड का चौकीदार होता है। जिस तरह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं कि मैं पूरे देश के चौकीदार हूँ, उसी तरह मैं जिस समाज में जिया हूँ मैं वहाँ के 10,000 लोगों की मैं चौकीदारी करता हूँ। साथियों, मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ जहाँ हमारे ग्रामीण, जहाँ हमारे पुरखे, जहाँ हमारे गणमान्य आदमी जहाँ सोते हैं, मैं वहाँ रात्रि को प्रहरी काम करता हूँ और जगाने का काम करता हूँ, और पूरे बिहार सरकार की जो आदेश को मैं प्रतिपालन करता हूँ। जैसे कि हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय बोले हुए हैं कि अभी जो पूरे बिहार राज्य में सरकार शराब संबंधित जो नियम लगा हुआ है, जो पूरे हम लोग पूरे बिहार के चौकीदार आँख कान नाक मुंह खोल करके पूरे रात को सोते माने निर्वाह कर रहे हैं, ड्यूटी में निर्वाह करते हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई आपराधिक तत्व के आदमी आते हैं तो मैं उन्हें आँख खोल करके रहता हूँ ताकि हमारे क्षेत्र सुरक्षित रहे और हमारे समाज निर्देश सोए हुए रहे। साथियों, मैं इसलिए खोला रहता हूँ ताकि हमारे समाज को कोई भी गलत अफवाहें नहीं फैलाए जिससे हमारे समाज आपस में लड़ से लड़ जाए और बिखर जाए। मैं ऐसे समाज में जीने का प्रयास करता हूँ। साथियों, मैं हर एक समय नाक इसलिए जोर खोले हुए रहता हूँ साथियों कि हमारे क्षेत्र में कोई शराब कारोबारी तो नहीं अपने शराब कारोबारी का क्या बिक्रय कर रहे हैं। मैं सुनने का काम करता हूँ और सरकार को माने को अपने प्रतिपालन करके हर एक समस्या को अवगत कराता हूँ और अपने थाना प्रभारी महोदय को सूचना देकर के हर एक समस्या का हल कराता हूँ। मैं उसे समाज से जीने का एक छोटा सा चौकीदार हूँ। साथियों, वर्तमान समय में हमारे जो सरकार है, हमारे नीतीश बाबू जी 2014 अधिनियम 2014 लगा करके हमारे चौकीदार को बहाली करा रहे थे, स्वैच्छिक सेवा का लाभ दिला रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में हमारे ही एक चौकीदार का अंग जो देवमूली पासवान जाकर के हाईकोर्ट में केस कर दिया, जिसके कारण हमारे जो चौकीदार को लाभ मिल रहा था, स्वैच्छिक सेवा का लाभ मिल रहा था, जिसे हाईकोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे हमारे तमाम चौकीदार सरदार को दिक्कत का सामना हो रहा है, उनके आश्रितों की बहाली नहीं हो रही है। मैं ऐसे में मैं अभी जो वर्तमान हमारे जो क्या कहते हैं बिहार के हमारे सरकार जदयू सरकार के आए हुए हैं, जमा खान साहब आए हुए हैं, उनसे आग्रह निवेदन करते हैं कि हमारे भी बात को वहां तक रखे ताकि हमारे चौकीदार दबदार को पुनः बहाली हो सके। हमारे जो वर्तमान में जो 2014 अधिनियम को जो ये सरकार रद्द कर दिया गया है, उसे मैं आग्रह करूंगा अपने सरकार को इनके द्वारा सूचना दिया जाए कि चौकीदार दबदार आज की नहीं, ये पुर्तगालीन अंग्रेजों के जब सदियों से चलती आ रही प्रथा है, इसे आज तक कोई बंद नहीं किया हुआ है, तो आप क्यों बंद कर रहे हैं? इसे सुचारू रूप से दृढ़ रूप से इसे सुचारू किया जाए जिससे कि चौकीदार दबदार पुनः बहाली हो सके। ये
ये चौकीदार जो पूरे समाज को जगाने का काम करता है और हम ही अगर सोच रहे तो साथियों ये मुझे दिक्कत के सामने दिक्कत हो रहा है साथियों, इसीलिए मैं अपने एक लेटर फ्रेंड के माध्यम से मैं राज्य के आए हुए जो सम्मानित तो हमारे जो महानुभाव है उन्हें मैं लेटर देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे चौकीदार दमदार साथी आए हुए हैं वो यहाँ पर आकर खड़े हो जाए और सभी सर के सामने मैं दूंगा। इन्हीं साथ के साथ अपनी बात को मैं विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम। क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए साथी हैं वो भी हमारे संविधान पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। मैं ऐसा आता हूँ विश्वास करता हूँ। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं चौकीदार दमदार जिला सचिव दरभंगा। जय हिंद, जय भारत।